आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल, द डेपोजिशन ऑफ फर्स्ट लेयर ऑन सेल प्लेट इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल। जब सेल प्लेट के ऊपर फर्स्ट लेयर की डेपोजिशन होगी, हम उसे प्राइमरी वॉल कहेंगे। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, ठीक है, वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल इज लेड डाउन इनसाइड द प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल के बाद बनती है, मतलब सेकेंडरी वॉल की डिपोजिशन प्राइमरी वॉल के बाद होती है। तो सेकेंडरी वॉल मतलब सेकेंडरी मतलब सेकेंड और वॉल मतलब लेयर, सेकेंडरी वॉल दूसरी लेयर जो होगी, ठीक है। प्राइमरी वॉल इज थिन, प्राइमरी वॉल जो होगी वो थिन होगी, थिन मतलब पतले। सेकेंडरी वॉल इज थिक, सेकेंडरी वॉल थिक होगी, थिक मतलब थोड़ी मोटी। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सब्सटेंस ओवर द न्यूली फॉर्म्ड सेल प्लेट, मतलब सेल प्लेट के बाद जो सब्सटेंस का एडिशन होगी हम उसे प्राइमरी वॉल बोलेंगे। और सब्सटेंस आर एडिड ओवर द प्राइमरी वॉल एंड फॉर्म सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद जो सब्सटेंस की एडिशन होगी हम उसे सेकेंडरी वॉल बोलेंगे। लाइक हमारे पास एक पिक्चर है, मिडल लैमेला बिल्कुल सेंटर में लेयर है, देन उसके बाद प्राइमरी वॉल है, मतलब जो सब्सटेंस ऐड हो रहा है मिडल लैमेला के बाद। मिडल लैमेला मतलब सेल प्लेट, सेल प्लेट के बाद जो सब्सटेंस ऐड हो रहा है हम उसे प्राइमरी वॉल बोल रहे हैं। देन प्राइमरी वॉल के बाद जो सब्सटेंस ऐड हो रहा है हम उसे सेकेंडरी वॉल बोल रहे हैं। इट इज़ एसोसिएट विद लिविंग प्रोटोप्लास्ट। प्राइमरी वॉल जो है लिविंग प्रोटोप्लास्ट के साथ एसोसिएट करती है, अटैच होती है। इट इज़ एसोसिएट विद प्राइमरी वॉल प्रोटोप्लास्ट मे बी डेड व्हेन सेल मैच्योर। सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के प्राइमरी वॉल प्रोटोप्लास्ट के साथ एसोसिएट करती है, और ये जब मैच्योर हो जाती है तो डेड फॉर्म में भी हो सकती है। इट कंटेन्स प्राइमरी पिथ फील्ड, प्राइमरी वॉल कंटेन करती है प्राइमरी पिथ फील्ड को, सेकेंडरी वॉल कंटेन करती है सिंपल एंड बॉर्डर पिथ को। इट इज़ फ्लैक्सीबल एंड एडजस्टेबल, प्राइमरी वॉल फ्लैक्सीबल होती है, लचकदार होती है, और एडजस्टेबल मतलब एडजस्ट करती है किसी भी प्लेस पे। कोई बड़ी प्लेस होगी तो उस पर भी एडजस्ट हो जाएगी, और जो छोटी प्लेस होगी तो उस पर भी एडजस्ट हो सकती है। सेकेंडरी वॉल इज़ हार्ड एंड रिच्ड, सेकेंडरी वॉल सख्त और मोटी होती है, मतलब प्लेस अपनी फ्लैक्सीबल नहीं होती तो अपनी प्लेस को एडजस्ट नहीं कर सकती है। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, प्राइमरी वॉल जो होती है वो इलास्टिक इन नेचर में होती है, एंड सेकेंडरी वॉल इज़ प्लास्टिक इन नेचर, जो सेकेंडरी वॉल होती है वो प्लास्टिक नेचर में होती है। इट इज़ चेंज इट्स साइज एंड वॉल्यूम, जो प्राइमरी वॉल है वो अपना साइज और वॉल्यूम चेंज कर सकती है, बट इट सेकेंडरी वॉल कांट चेंज इट्स साइज एंड वॉल्यूम, जो सेकेंडरी वॉल है वो अपना साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकती। क्यों? जो प्लास्टिक फॉर्म में कोई मटेरियल होगा तो अपना वो साइज और वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकता, बट जो इलास्टिक फॉर्म में जो चीज़ होगी वो अपना साइज और वॉल्यूम चेंज कर सकती है। प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल यंग ग्रोइंग एंड मेरिस्मेटिक सेल। प्राइमरी वॉल जो है वो यंग ग्रोइंग जो सेल होते हैं, बिल्कुल जो न्यू सीडलिंग्स मतलब प्लांट निकलता है उसमें जो सेल होते हैं उसमें भी पाया जाता है, एंड मेरिस्मेटिक सेल में भी पाए जाते हैं प्राइमरी वॉल। बट सेकेंडरी वॉल इज़ प्रेजेंट इन मैच्योर एंड नेचर सेल, जो सेकेंडरी वॉल है वो मैच्योर और नेचर सेल में पाई जाती है। प्राइमरी वॉल फंक्शन, प्राइमरी वॉल गिव शेप एंड सपोर्ट टू सेल, प्राइमरी वॉल शेप एंड सपोर्ट देता है सेल को। सेकेंडरी वॉल गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, सेकेंडरी वॉल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट करता है प्लांट को। केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी वॉल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड नॉन सेलुलोज, मतलब जो प्राइमरी वॉल है वह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और नॉन सेलुलोज पे कंपोज होता है, पॉलीसेक्राइड एंड समटाइम लिग्निन, और पॉलीसेक्राइड और लिग्निन पे भी होता है थोड़ा सा। बट सेकेंडरी वॉल इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन, जो सेकेंडरी वॉल है वो सेलुलोज और लिग्निन पे कंपोज होता है केमिकली। सिमिलैरिटीज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल, सिमिलैरिटीज मतलब दोनों में सेम चीज़ें क्या हैं। प्राइमरी और जो सेकेंडरी वॉल है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है, मतलब भुरभुरी होती है, चमकदार होती है नेचर में, ठीक है। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल ऑप्टिकली एक्टिव होती है, मतलब अगर हम देखें इसे तो ये हमें एक्टिव फॉर्म में नज़र आएगी। इट सीम शाइनी अंडर पोलराइज लाइट, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल है अगर हम उसे
पोलराइज लाइट में देखें तो ये शाइनी नज़र आएगी, चमकदार। इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर में होती है, मतलब वाटर लविंग होती है। तो ये पानी को, दोनों वॉल प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल पानी को सक भी कर सकती हैं या पानी को ट्रांसपोर्ट भी कर सकती हैं एक वॉल से दूसरी वॉल में। ये देखिए हमारे पास टीएस ऑफ प्लांट सेल है। ये सबसे पहले हमारे पास मिडिल लैमेला होती है, फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, सेकंड लेयर ऑफ सेल वॉल प्राइमरी वॉल होती है एंड थर्ड लेयर जो होती है वो सेकेंडरी वॉल होती है। ये देखें एलएस सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल, मतलब ये एलएस है सेल वॉल का। ये देखें बिल्कुल सेंटर में मिडिल लैमेला है, देन प्राइमरी वॉल एंड देन सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल आप आगे तीन डिवाइड होती है S1, S2 एंड S3 में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।